the world of joyful learning. नमस्ते एवरीवन, सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमारा हिंदी का क्लास है और हमने पिछली कक्षाओं में स्वर पढ़ा था, है ना? स्वर पढ़ा था। क्या आपको मालूम है हिंदी में कुल 52 अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन भी होते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में स्वर पढ़ा था, है ना? अ से आहा तक। पर आज हम व्यंजन क से अंगा तक पढ़ेंगे। हम आज की कक्षा में व्यंजन क से अंगा तक पढ़ेंगे उनकी कहानियों के साथ। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही सुंदर कविता साथ मिलकर गाएंगे, ओके? सूरज निकला मिटा अंधेरा, सूरज निकला मिटा अंधेरा, जागो बच्चों हुआ सवेरा, जागो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़िया ने भी छोड़ा बसेरा, चिड़िया ने भी छोड़ा बसेरा। उठ जाओ बच्चों अब मत सो, उठ जाओ बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो, उठ जाओ बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं व्यंजन क से। तो सबसे पहले मैं आपको क की कहानी सुनाऊंगी। ये है अक्षर क। क से कबूतर, क से कबूतर। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, उसका नाम था कमला। क से कमला। कमला के पास एक कुत्ता था, कुत्ते का नाम था कालू। क से कुत्ता, क से कालू। कमला कालू से बहुत प्रेम करती थी। क से कमला, क से कुत्ता, क से कालू। तो ये हुई क व्यंजन की कहानी। खरगोश, ख से खरगोश। व्यंजन क के बाद मैं आपको व्यंजन ख की कहानी सुनाऊंगी। तो बच्चों, एक जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था, उसका नाम था खोखो। क्या नाम था? खोखो। ख से खोखो, ख से खोखो। खोखो सबको बहुत परेशान करता था। उसी जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था, ख से खरगोश। वह पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था और दिन भर खेलता रहता था। उसका नाम था खिल्लू। लोग उसको प्यार से बुलाते थे खिल्लू खरगोश। ख से खिल्लू, ख से खेलना। थैंक यू एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा और आप सब अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे व्यंजन क और ख की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।